अभिजीत को बुलाने की कोशिश करता हूं, चार पंक्तियों से उनको आवाज देने की कोशिश करता हूं कि कहा गया कि आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, जिद पे आ जाएं तो पर्वत उछाल कर रख दें, मादरे वतन हमको तेरे चरणों की कसम, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दें। आपकी जोरदार तालियां उठें अभिजीत मिश्रा जी। परम आदरणीय निदेशक महोदय, मंच को प्रणाम, माँ बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम। शील सर बैठे हैं, मधु सर, हिमानी, शरद मिश्रा भैया जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति है। मैं बच्चों से बस इतना सा निवेदन करना चाहूँगा कि विद्यालय में आप अनुशासन में रहना सीखते होंगे, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा आप जितना बिना अनुशासन के रह सके रहें, और ज़ोरदार तालियाँ बजा के मुझे बताएं तो मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूँ। हाँ, आइए, चूंकि भैया ने पहले भी बताया कि मैं देश प्रेम की बातें करता हूं, देश के मर्म को, यहाँ के सैनिकों के मर्म को अपने मुखारबिंद से, अपनी कविता के माध्यम से गाने का काम करता हूं, हालांकि गा नहीं पाता हूं। जब वो प्रस्फुटित होंगे और आपको लगे कि मेरी कविता में आपको कहीं आनंद आ रहा है, या वो मनोभाव जो मैंने कविता, जो सोचकर मैंने कविता लिखी है, वो मनोभाव आपके मन में पैदा हो रहा है, तो आपका आशीष तालियों के माध्यम से मुझे मिलेगा, तो मुझे कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आएगा। बहुत संक्षिप्त मैं काव्य पाठ करूंगा कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के जूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कण कण लिखने वाली है। गजब है अभिजीत, वाह वाह। मेरी कविता हिंदुस्तान का कण कण लिखने वाली है। यहां से एक छंद पढ़ता हूं बच्चों, दो तीन छंद, एक छोटी सी रचना और अपना स्थान। हमारे देश में क्या होना चाहिए उन सैनिकों का सम्मान, और क्या है उन सैनिकों का सम्मान, मैं चार पंक्तियों से एक छंद के माध्यम से बताता हूं, और देखना चाहता हूं कि आपके हाथों का आक्रोश आपकी तालियों के माध्यम से कैसे निकलता है। मैं बताया गया कि मैं अंग्रेजी विषय से PhD कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदी कविता कर रहा हूं, हिंदी पखवाड़ा में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं चार पंक्तियां रखता हूं कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देक पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा, वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देक पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा, तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा, तो पथ पे चला है रथ, अगली पंक्ति उठाना बच्चों की, पथ 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 पे चला है रथ कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। विश्व गुरु भारत को दुनिया, दुनिया दुनिया भी। एक छंद और पढ़ता हूँ, परमादरणीय साहित्य का एक ऐसा नाम जो शायरी की दुनिया में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेखन के मामले में जिस उम्र में हमने द हिंदू पढ़ना नहीं सीखा तो उस उम्र में एडिटोरियल पेज पर छपने वाले बागी विकास सर हमारे बीच उपस्थित, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। साथ में पंकज गौड़ भैया भी बैठे हैं। भैया एक छंद और निवेदित करता हूं, वो दो कौड़ी का देश पाकिस्तान। आज तक मैंने पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई रचना नहीं लिखी, वो किसी ने कहा था, बात पहुंचे तो बताना, किसी ने कहा कितना सस्ते में निपटाया किया है मेरे प्यारे वतन, वस्तु हेतु वस्तु हेतु, बच्चों बताना, अये मेरे प्यारे वतन वस्तु हेतु वस्तु हेतु पाकिस्तान आथु। जिसको इतना सस्ते में निपटा सकते हैं, क्या जरूरत लंबी कविता लिखने की। लेकिन विख्यात भैया हमारे बड़े भाई, इन्होंने कहा कम से कम एक छंद लिखो। हाँ। तो हमने छंद लिखा, हम बाप हैं वो बेटे हैं, इसको ध्यान में रखना और तब सुनना कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर ये हैं द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। हाँ। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं, तो हमने किया है जो जो आपके लिए वो पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं, और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं।
दौर 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 के बदलते ही हिंद के नापाक। एक और छंद पढ़ता हूं, प्रभु श्री राम को ध्यान में रखना, अगर कविता के नाम पर एक छंद हो गया हो तो बताना। मधु सर बैठे, मैं निवेदित करता हूं सर, एक छंद कविता के नाम पर, प्रभु राम माँ सीता की अग्नि परीक्षा, और ये छंद कहीं ना कहीं साहित्य की बात अगर हो गई हो हिंदी पखवाड़ा के इस मंच पर, तो सर आशीष मिले। शील सर सुनना, स्वागत है भाई। कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। चौथी पंक्ति मर्म तक पहुंचना। हाँ। कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे, पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। तो लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। हाँ। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। हा, 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 हा। सीता जी तो अग्नि में जली 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 नहीं थी, परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। एक छोटी सी रचना पढ़ता हूं, अंशुमन सिंह, यहां पर हर व्यक्ति इस नाम से परिचित होगा। देश के जवान आग में झुलस रहे थे, लेकिन अंशुमन सिंह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस आग में छलांग लगाई, अपने जवानों को तो बचा लिया किंतु स्वयं को उस अग्नि के हवाले कर दिया और शहीद हो गए मरणोपरांत। शहादत के बाद उनकी पत्नी को वीर चक्र दिया गया। तब इस कविता की भूमिका, वो पत्नी हिंदुस्तान की पत्नी, यहाँ पर कई बच्चियां बैठी है, यहाँ पर नारी शक्ति बैठी है, पीछे प्रीति जी बैठी है, मैं निवेदित करता हूँ, वो पत्नी देश की इकलौती ये भारत देश की नारी है जो ये बात कह सकती है कि हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे। अंतिम कविता अपनी तालियों से विदा करना। हाँ। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगल सूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं, ये मंगल सूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। दो पंक्तियां देता हूं, जय घोष करना और विदा करना। वो हिंदुस्तान की पत्नी इकलौती है इस देश में रहने वाली नारी जो ये बात कह सकती है, और बात पहुंचे तो विदा करना। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगल सूत में तोड़ रही, ये मंगल सूत में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगल सूत में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।